टाइम हो गया 5:03 शाम के, और यह सारी गांव, और यहां से चढ़ाई करनी है जी, ये रही पार्किंग, ये है गाड़ी, गुरुदेव तैयार होते हुए। टीम लीडर जो हैं रावत जी हमारे साथ हैं, और असिस्टेंट लीडर के रूप में श्री गोकुल जोशी। जोशी देख लो वो भाई, अत गेट बनी भाई, ये गेट भी पहले इधर नहीं था, नया जी। और ये है शिव टेंपल, आते समय आएंगे जी, अभी चलते हैं गंतव्य की ओर। पहुंची है भाई, 8:12, 1 घंटा लगा मैक्स नीचे रोड से और यहाँ पहुंचने में। बताते हैं कि 4-5 किलोमीटर है, 1 घंटा लग गया, ये है लास्ट, और यहाँ से फिर डाउन ताल मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे। मात्र और धीरे धीरे ये नज़र आने लगा ताल का एक कॉर्नर, देवरिया ताल। तो ज़्यादा कुछ व्यू तो है नहीं, पहले टाइम देख रहा हूँ मैं, इतना समय हो गया इस पहाड़ों में, बट इतनी धुंध मैंने पहली बार देखी, इतनी आग भी पहली बार लगी है। इसका कारण है आग लगना, धुंध का मेन। ऐसे लग रहा दिल्ली में पराली जलाते हैं ना, उस टाइम होता है दिल्ली का हाल ऐसे, तो ऐसे अपने इधर की भी हाल है। और ये फॉरेस्ट का चेक पोस्ट, यहाँ पर कटता है टिकट जो आउट ऑफ रुद्रप्रयाग है, जो मतलब रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, बाकी रुद्रप्रयाग का फ्री टेरिफ और बाकी लोगों का इधर टेरिफ भी लिखा हुआ है। तो ये है जी ताल का व्यू, अभी और दिखाते हैं आगे से। फाइनली झोपड़ी बन के तैयार, और आज 4 लोगों का रात्रि विश्राम इस झोपड़ी में होगा, 1, 2, 3, 4 5 रहे हैं इसमें, और 3+2+1 है ये 3 में, बट इसमें अब 4 लोग सोएंगे, 2+1 में 4 लोग एडजस्ट होंगे आज। बाकी शाम का ये 7:00 एग्जैक्ट, अंधेरा कायम रहे और रहेगा, तो ये स्थिति है, कुछ लाए नहीं क्योंकि कैंपिंग का यार सडन प्लान बन गया है। अगर थोड़ा पहले से रहता तो मैं लाइट व्लाइट सारी लेके आता, लाइट भी अच्छी है यार, मत और ये सडन होने की वजह से आज थोड़ा सा अंधेरा कायम रहे और रहेगा, लेकिन अगर कल तक रहेगा। 5:38 और ये है टेंट कॉलोनी, 4 आदमी इसमें लेटे थे कल रात को, और अपने जोशी जी इधर जो गारबेज इकट्ठा हुआ, जो एक गार्बेज हुआ रात को उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और ये है सामने खाने पीने का अपना, और इधर है तालाब इस साइड, और इधर से चौखंबा का व्यू आता था बट वो नहीं आ पाएगा क्योंकि कोहरा इतना है, कोहरा नहीं है, ये है धुंध, क्योंकि जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ आग लगी हुई, बस विजिबिलिटी है लगभग 1 किलोमीटर और इस साइड तो 500 मीटर। ये हाल सुबह के, अभी जाएंगे तालाब की ओर और उसके बाद चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे कार्तिक स्वामी के लिए, फिर आज कैंपिंग होगी घर के पास में। चले जी अब तालाब की ओर, 5:44 हो रहा है, देवरिया ताल वेलकम। ये है जी मॉर्निंग व्यू, धारे पे नहीं आ रहा पानी, यहीं से भर रहे हैं। मॉर्निंग व्यू 5:50 हो रहा, घड़ी को फोकस नहीं कर रहा, आप भाई कर दे यार फोकस, कर दे भाई
ऐसे नहीं करते, नहीं कर रहा भाई, क्या करें, अब कर दो, ए कर दिया, अब तालाब को छोड़ दिया उसने। बाकी हमारे भट जी वीडियोग्राफी में माहिर, फर्स्ट टाइम जब डेरे तालाब आए थे तो ये थी कैंपिंग लोकेशन अपनी टॉप। हमें उस टाइम पता नहीं था कि इसमें अलाउ नहीं है, कैंपिंग अलाउ नहीं है देवरिया ताल में, और हम ऐसे मानस ठहरे। नीट एंड क्लीन जैसे था वैसे, और चले भैया घर को। आज फिर घर के पास कैंप साइट करेंगे रांसी टॉप में, जो घर के नियरेस्ट फेवरेट लोकेशन है, उस पर कैंपिंग होगी आज। 26 मिनट हो रहे, वो भी आधा नहीं, 7:26 और 7 बजे चले थे, उतरने में आधा घंटा ले लिया, कहीं नहीं बैठे, और जाते हुए 3 या 4 जगह बैठे थे, और ये पहुंच गए जी गेट पे। चलो भैया ये है जी सारी गांव, ये पार्किंग, और बैग रखते हैं इधर।